जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हक खतीब साहब के आस्ताने पे मौजूद हैं और ज़ाहिर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी, कुछ ऐसा कोई बदगुमानी पैदा ना होना शुरू हो जाए। लेकिन बारे में हम ये तवक्को ज़रूर करते हैं कि हक खतीब साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आएंगे। दो घंटे हो गए हमें, मेहमान नवाजी का तकाजा तो ये है कि वो आ जाएँ, क्योंकि इससे पहले ज़ाहिर गुफ्तगू हो रही थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी। शोर शराबा है, वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करें। मामला सिर्फ ये है कि हम हक खतीब साहब के सामने कुछ सवाल और एतराज़ रखना चाहते हैं और उनके जवाब हम चाह रहे हैं। 6 बजे यूं ही यहाँ पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया गया है। हमारी ख्वाहिश यह है कि उससे पहले पहले हम उनसे गुफ्तगू कर लें ताकि ये जो नेशनल इशू बना हुआ है अंदाजा हो जाए कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो हम जरा ये दरख्वास्त कर रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के तवसुल से कि वो प्लीज़ यहाँ तशरीफ ले आए, हम उनके मेहमान हैं और हमें उम्मीद है कि वह जल्दी आ जाएंगे, हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। 2 घंटे हो गए हम यहाँ बाहर के मनाजिर इसलिए दिखा रहे हैं कि ज़ाहिर यहाँ खवातीन भी आई हुई हैं, तो हम यहाँ हॉल के अंदर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं हक खतीब साहब का कि वो आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे पेशतर के हम आपस में यहाँ के लोगों से उलझते रहें और एक खाम खा की बहस जो है वो यहाँ पे जारी रहे। जब हम आए एक जो पॉजिटिव चीज़ के अच्छे से वेलकम किया गया, अब यहाँ बैठे रहे कुछ गर्मी सर्दी भी हुई। सादा सी बात यह है, दरखास्त है थोड़ी देर के लिए करके बना दीजिए कि हक खतीब साहब तशरीफ लें, मामला उनके साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अगर वो हमें कायल कर सके नेशनल मीडिया की मौजूदगी में, या बाकी कैमराज भी हैं खतीब साहब के मीडिया की जो कैमराज हैं वो भी मौजूद हैं, अगर हमें कायल कर सके तो ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान देख लेगा। और अगर हम गलत साबित हुए तो हम बड़े ज़र्फ़ के साथ यहाँ से माजरत करके मानोगे। इतनी सी बात है, जहाज़ बजावी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी खुशसलूबी से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तकाजा ये है खुशसलूबी का, मेहमान नवाजी का, कि आप हमें ज़्यादा इंतजार न करवाया जाए। इसलिए भी क्योंकि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का वक्त शुरू हो जाएगा तो वो एक मुनासिब बात नहीं लगती कि हम एक ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस को रोकने की तरफ जाएंगे। जी वो उसका टाइम डिले हो रहा है और हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बेहतर पहले तशरीफ लें, क्लोज करें और फिर इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये अभी तक माहौल ठीक है जी। यहाँ पे गुफ्तगू दलील के साथ अहादीस की रोशनी, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में, औलिया इकराम के तरीक की रोशनी में वो हम करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अजीज हक और बातिल का फैसला भी पाकिस्तान के आवाम करेंगे, उम्मत के लोग करेंगे, उलमा करेंगे, मशायख करेंगे इंशाल्लाह।